तो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल इन वर्टिकल सर्किल। इसको हम लोग कर रहे थे कल, और इसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, इसको आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो सवाल यह है कि When a particle attached to a light string move in a circular path in a vertical plane, then the sum of the tension at the end of any diameter is constant. इस सवाल को देखिए, ये सवाल MCQ के लिहाज से अच्छा सवाल है। तो देखिए इसको, When a particle attached to a light string moves in a circular path in a vertical plane, then the sum of the tension at the end of the diameter is constant. कह रहे हैं कि अगर कोई particle circular path पर vertical plane में move कर रहा है, तो इस circle का कोई भी diameter लें, कोई भी diameter लें, उस diameter के end points पर, हमने एक diameter लिया है BC, तो कह रहे डायमीटर के इन पॉइंट्स पर यानी बी और सी पर जो भी टेंशन होगा उसका सम हमेशा एक कांस्टेंट होगा। यानी कि ये डायमीटर ले, यहाँ और यहाँ जो भी टेंशन का सम होगा, और कोई दूसरा डायमीटर ले लें, सपोज दिस, इनके इन पॉइंट्स पर जो टेंशन होगा उसका सम वो फिक्स रहेगा, वही होगा जो यहाँ पे है। किसी भी डायमीटर के लिए फिक्स होगा, कांस्टेंट आएगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो देखिए, जैसा कि आपको बताया था, इस केस में लेट अस कंसीडर अ डायमीटर BC then we know tension at point B is given by this relation. Tension हमें मालूम है, ये होता है किसी point पर, ये हम कई बार कर चुके हैं, हम आपको बताते हैं, ये सब हम कर चुके हैं। टेंशन जो होता है वो होता है ये m/a u² - ag 2 - 3 कॉस थीटा। थीटा ये एंगल है, बी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्टेंस है ए से, और यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, एम मास है, ए इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की, जो कि सर्किल का रेडियस होगा। तो टेंशन बी पर ये होगा, सी पे क्या होगा, इसको T1 कर लेते हैं या TB कर लीजिए। आल्सो टेंशन एट पॉइंट सी का जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पाई प्लस थीटा, ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये पाई प्लस थीटा होगा, तो यहां पे टेंशन होगा यहां, देखिए क्या होगा, पाई प्लस थीटा लिखेंगे तो कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस
cos theta. Therefore, this becomes 2 plus 3 cos theta. ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए. So, sum of the tension is, यहाँ देखिए, ये टर्म यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाले टर्म जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2u square, और ये जुड़ेगा, तो 4 minus 4ag, ये आएगा. और ये कांस्टेंट है, ये दिख रहा है आपको, इसको और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, 2 बाहर लेके, 2mau square minus 2ag. तो दिस इज द सम ऑफ द टेंशन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, किसी भी डायमीटर के लिए यही होगा. ये कांस्टेंट है, देखिए ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. तो सम ऑफ टेंशंस एट बी एंड सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. थीटा से अलग है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि कोई दूसरा भी अगर हम डायमीटर लेते तो वहां के लिए भी यही वैल्यू रहती, तो ये कांस्टेंट है, हेंस कांस्टेंट. ठीक है, कोई दूसरी डोर होगा, किसी दूसरी रफ्तार से फेंका जाएगा, तो वहां पे ये वैल्यूज बदल जाएंगी और सम कुछ और होगा. लेकिन किसी दिए हुए पार्टिकल, जो एक दी हुई स्ट्रिंग से, एक दी हुए वेलोसिटी से फेंका जाए, तो जिस भी सर्किल में चक्कर लगाएगा उसके हर एक डायमीटर पर टेंशन का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा. ये आप एमसीक्यू सिस्टम के लिहाज से ध्यान रखिएगा. ये एक बात हो गई. अब हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल इसमें और ले लेते हैं, वो यहाँ है हमारे पास. सवाल ये है कि अ पार्टिकल अटैच टू अ फिक्स्ड पेग बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज लिफ्टेड अप विद द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल एंड देन लेट गो. Prove that when the string makes an angle theta with the horizontal, the resultant acceleration is this. ये सवाल है. तो देखिए इसको हम कहते हैं यहां पर, इस सवाल में यह कहा जा रहा है कि एक स्ट्रिंग जिसकी लंबाई L है उससे एक पार्टिकल अटैच है, और ये एक पेग, पेग माने खूंटी से बंधा हुआ, पेग मान लीजिए ऊपर है, स्ट्रिंग यहां से बंधी हुई है. कह रहे हैं कि इसको ऊपर उठाया गया, और कहां तक उठाया गया, विद द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल, स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब हो जाती है वहां तक इसको ले जाया गया, ऐसे. ठीक है, यहां ले जाया गया, मान लीजिए ये है ए यहां, और उसके बाद इसको छोड़ दिया गया मुख करने के लिए, छोड़ दिया गया. तो छोड़ दिया जाएगा तो आप जानते हैं कि ये इस तरीके से अपने सर्कुलर पाथ पर आएगी. मुख करेगी करें किसी समय पे, मान लीजिए ये पॉइंट बी पर है, ये पोजीशन है, तो स्ट्रिंग की लेंथ एल दी हुई है और यहां से छोड़ा गया है, तो व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल लिया, ये एंगल थीटा ले लीजिए, तो टेंशन यहां पे मान लीजिए टी है. और अब जब यहां से छोड़ा गया, अगर हम इसको ए को इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं, तो आर्क इधर की तरफ बढ़ेगी,
आर्क इधर की तरफ बढ़ेगी तो जो टेंजेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और वेट इसका मान लीजिए एम जी है, और ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा हो जाएगा, तो दिस इज एम जी कॉस थीटा, दिस इज एम जी साइन थीटा। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यहां पे पूछा है, बिल्कुल रिजल्टेंट, लेट वेलोसिटी एट पॉइंट बी एट एनी पॉइंट पॉइंट बी इज वी, मान लीजिए यहां पे वेलोसिटी वी है, देन नॉर्मल एक्सेलरेशन विल बी क्या होता है वी स्क्वायर बाई एल, ये आपको मालूम है, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी दिस, ये आपको मालूम है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज क्या होगा वी स्क्वायर बाई एल, नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर, और इसको ऐसे कर लीजिए। अब ये तो हमें मालूम है ये dv बाई डी टी है, तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी के लिए यहां पे वेलोसिटी वैसे भी मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं, यहां से पार्टिकल छोड़ा गया रेस्ट से, यहां वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और छोड़ा गया यहां से यहां पे आया, तो यहां पे हाइट आप देख सकते हैं कितनी होगी, ये एल है, ये थीटा होगा, ठीक है ना, हाँ, तो ये एल है, ये थीटा है, एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा है ना, एल साइन थीटा, इतनी डिस्टेंस नीचे जब गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी आप बता सकते हैं क्या होगी, ये मुश्किल काम नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इज, ये आप जानते हैं एम दिस इज इक्वल टू, यहां पे देखिए यहां टेंजेंट की डायरेक्शन ये है और इसी डायरेक्शन में है एम जी कॉस थीटा, ठीक है, तो दिस इज वी डी वी बाई डी एस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको मालूम है, और दिस इज जी कॉस थीटा, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज
एस इज इक्वल टू ए थीटा। देखिए ये है सही या नहीं। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करता है, तो जब थीटा जीरो होगा तो एस जीरो होगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा बढ़ता जाएगा तो एस इज इक्वल टू ए थीटा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रखिए। यहाँ से लीजिए जरा, इसको भी आगे बढ़ाइए। वी डी वी इज इक्वल टू जी कॉस थीटा डी एस। वी डी वी जी कॉस थीटा डी एस बाई डी थीटा डी थीटा। वी डी वी जी कॉस थीटा डी एस बाई डी थीटा। यहाँ से देखिए इज ए, तो वी डी वी इज इक्वल टू ए जी कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रल कर दीजिए इसका, तो यू गेट वी स्क्वायर बाई टू ए जी, इसका इंटीग्रल होगा कॉस का साइन थीटा और प्लस कांस्टेंट। तो कंडीशन ये दी हुई है वी स्क्वायर बाय टू सॉरी एट पॉइंट ए थीटा इज जीरो और वी इज जीरो इनिशियल वेलोसिटी। ये जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो जीरो, सी इज जीरो, इट इम्प्लाइज सी इज जीरो। देखिए हेंस दिस इज टू ए जी साइन थीटा। ये हो गया, अच्छा इसमें एक चीज बता दें आपको, ये कुछ नया नहीं मिला है। ये है वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां हमने आपको भी बताया था दिस इज एल साइन थीटा हाइट, ये हाइट है इस पॉइंट की, ओ से डेप्थ, सॉरी हाइट नहीं डेप्थ कहेंगे, ये कितनी है जी साइन थीटा इज टू एल है, हम एल लेके चल रहे थे, एल 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 एल, ये एल होगा, यहाँ पे ए नहीं है, एल दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, एल कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा एल, एल साइन थीटा इज एच टू जी एच। ये वेल नोन रिलेशन है, आप जानते होंगे कि अगर कोई पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया जाए तो h डिस्टेंस जब नीचे गिरेगा तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, नीचे अगर आएगा तो 2gh, ये आप जानते हैं रिलेशन होता है, और जीरो वेलोसिटी से आएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये यही आया है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो ये वैसे भी आप ध्यान रखिएगा, ये हम ये सीधे लिख सकते थे, h हमको मालूम था, ये सीधे लिख सकते थे रिलेशन हम, लेकिन ये आपको हमने बता दिया कैसे आया, और अदरवाइज आप सीधे इसको लिख सकते हैं इतना होगा। तो वी स्क्वायर तो ठीक है, और बाकी हमें चाहिए टू जी एच, सॉरी डेरिवेटिव चाहिए हमको इसका, डेरिवेटिव भी देख लीजिए। ये तो हमको मालूम ही है, यहां से मालूम है, यहां से मालूम है, तो वन और
देखिए ये सीधे हम ये हमको मालूम है, और वेलोसिटी आप सीधे लिख सकते हो, ये जिसको हमने डिराइव किया ये आप सीधे लिख सकते हो, ये ध्यान रखिए। तो वन और इसको टू कर लो आप, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ये, और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा? नॉर्मल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई एल, वी स्क्वायर इज टू, ये इस फॉर्म में लिख लेते हैं, टू एल जी साइन थीटा बाई एल इज टू जी साइन थीटा, टू जी साइन थीटा। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इस रिलेशन से अंडर रूट दिस स्क्वायर मीन्स फोर जी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना, फोर जी साइन थीटा। और प्लस ये कितना होगा, ये हमारे पास है जी कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, जी बाहर आ जाएगा, फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा जी और थ्री साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस वन हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ प्लस है, ठीक है। तो ये यही हमें चाहिए था। तो ये रिजल्ट बहुत आसानी से निकल सकता है। इसको देखिए आपको क्या करना था, एक्चुअली आपको कुछ करना ही नहीं था इस सवाल में, जो इतना लंबा चौड़ा हुआ उसमें करना कुछ नहीं, ये दो मिनट का ही सवाल नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसी सवाल को आप क्या करेंगे, सिंपली देखिए इसमें ये इस तरीके का सवाल है, पार्टिकल यहाँ से चला जीरो वेलोसिटी से इस हाइट पे आया, ये हाइट है एल, ये हमने बताया जैसा कि ये थीटा है, तो एल कॉस थीटा और साइन थीटा, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वी स्क्वायर बराबर टू जी एच से टू जी एल साइन थीटा, और ये नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया टू जी साइन थीटा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है ये दिस, वो अभी हमने आया है, देखा टेंजेंशियल क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, ये है एम जी, तो एम जी कॉस थीटा, तो ये तो फोर्स है, एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, फोर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी बाहर ले लीजिए, बाकी का काम आपका कुछ नहीं है, ये बस इतना ही सवाल है, ये पूरी कहानी करने की जरूरत नहीं है अगर आप समझे। इसमें जो खास बात है वो जो आपको बता दें फिर से, कि पार्टिकल अगर यहाँ से ड्रॉप किया गया है जीरो वेलोसिटी से, तो अगर नीचे आएगा तो किसी भी पॉइंट पे आए, तो अगर ये हाइट हमारी h है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी इसी फार्मूले से, ये ध्यान रखिएगा, अगर u वेलोसिटी यहाँ पे है तो ठीक है, जीरो है अगर तो ये जीरो हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, इसको हमने सीधे सीधे यूज किया है इसको करने के लिए। अब हम दो सवाल ही आपके हो गए, अब हम और आगे बढ़ते हैं, और अगले लेक्चर में
जो है वो हम कंसीडर करेंगे कि जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है और वर्टिकल सर्किल में नीचे से ऊपर मोशन के बजाय ऊपर से नीचे मोशन करे, जैसा कि अभी हमने एक सवाल लिया, इसको और डिटेल में हम कंसीडर करते हैं अगले लेक्चर में।